गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे जिसका नाम है लालू एंड पीलू। ओके, लेट्स स्टार्ट। देयर वाज अ हैन, एक मुर्गी थी। सी हैड टू चिक्स, उसके दो बच्चे थे, लालू एंड पीलू। उनका नाम लालू और पीलू था। लालू वॉज रेड, लालू लाल रंग का था। ही लव्ड रेड थिंग्स, वह लाल चीज़ों को पसंद करता था। पीलू वॉज येल्लो, पीलू पीले रंग का था। ही लव्ड येल्लो थिंग्स, वह पीली चीज़ें पसंद करता था। वन डे लालू सॉ समथिंग ऑन अ प्लांट, एक दिन लालू ने एक पेड़ में कुछ चीज़ देखा। इट वॉज रेड, वह लाल था। ही एट इट अप, उसने उसे खाया। ओह नो, अरे नहीं। इट वॉज अ रेड चिली, यह एक लाल मिर्च थी। इट वॉज वेरी हॉट, यह बहुत तेज थी। लालूज माउथ स्टार्टेड बर्निंग, लालू का मुँह तेज मिर्च की जलन से जलने लगा। ही स्क्रीम्ड, वह चिल्लाया। मदर हैन कम रनिंग, जो माँ उसकी माँ थी मुर्गी, वह दौड़ी दौड़ी आई। पीलू केम टू, पीलू भी आया। पीलू सेड, आई विल गेट समथिंग फॉर यू। पीलू ने कहा कि वह लालू के लिए कुछ चीज़ लाएगा। पीलू ब्रॉट अ येलो लड्डू, पीलू एक पीले रंग का लड्डू लाया। लालू गोबल्ड अप द लड्डू, लालू ने उस लड्डू को निगल लिया, खा लिया। हिज माउथ स्टॉप्ड बर्निंग, उसके मुँह की जलन अब कम हो गई थी। अब उसका मुँह नहीं जल रहा था। माउथ हैन, मदर हैन एंड लालू किस्ड पीलू, जो उनकी माँ हैन थी और लालू ने पीलू को बहुत प्यार किया। यह कहानी विनीता कृष्णा की है। आपको यह स्टोरी को पढ़ना है और समझना है। अब इस स्टोरी के बाद इसमें जो हार्ड वर्ड आए हैं हमने वो भी किए हैं। सबसे पहला हार्ड वर्ड हमारा है चिक्स, CHICKS, चिक्स। चिक्स कहते हैं मुर्गी के बच्चों को, चूजे। LOVED, loved, loved means पसंद था। THINGS, things, चीज़ें। YELLOW, yellow, yellow means पीला। SOMETHING, something, something means कुछ चीज। PLANT, plant, plant means पौधा। CHILLI, chili, chili means मिर्च। MOUTH, mouth, mouth means मुँह। STARTED, started, शुरू किया। BURNING, burning, burning means जलना। SCREAMED, screamed, screamed means चिल्लाया। RUNNING, running, running means दौड़ना। BROUGHT, brought, brought means लाया। यह bring की past form है, bring, brought। LADDU, लड्डू, लड्डू आप सभी जानते हैं। GOBBLED, gobbled होता है, फटाफट से निकल जाना। STOPPED, stopped, रुक गया। KISSED, ED, kissed, kissed means प्यार करना। ठीक है।
तो ये हमारी स्टोरी थी, ये स्टोरी के हार्ड वर्ड हैं। अब इसके आगे की एक्सरसाइज मैं आपको कल भेजूँगी, ठीक है। आप सभी अपना काम पूरा रखिए, हर काम को जैसे ही आपका कंप्लीट होता है उसे चेक करवाया कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी राइटिंग में करिए। स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, आपको स्पेलिंग लर्न भी करनी है, ठीक है। बाय।